अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले बैत इतने बड़े सखी हैं कि उनकी सखावत की मिसाल नहीं दी जा सकती। वो सखावत में अजीम है। एक रोज़ का वाकया है कि जब हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र हज के सफ़र पर रवाना हुए, जब हज के सफ़र पर वो रवाना हुए, दौरान सफ़र उनका सामान से भरा हुआ ऊँट जिस पर आपके खाने पीने की चीज़ें थी, वो ऊँट कहीं पीछे रह गया। अब वो ऊँट पीछे रह जाने की वजह से अब आप लोगों के पास कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं थी, और रास्ते में जब आपको भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ गई तो वो लोग तलाश करने लगे कि कहीं पर उनको खाना मिल जाए और पीने को पानी मिल जाए। तो नज़दीक में देखा उन लोगों ने कि एक झोपड़ी है, तो उस झोपड़ी में गए तो वहाँ देखा कि एक बूढ़ी औरत है। उससे पूछा कि माई, कुछ पीने को है आपके पास? तो उसने कहा कि हाँ है। और उस बूढ़ी औरत के पास, जो बहुत गरीब थी, एक बकरी थी उसके पास। उस बकरी का दूध धोया और उसने आप लोगों को इनायत कर दिया, जबकि वो जानती नहीं थी कि आप लोग कौन हैं। उस बूढ़ी औरत को पता भी नहीं था कि ये अहले बैत है, सरकार की आल है, मौलालिकायत की आल है, वो नहीं जानते थे। उसके बावजूद भी उस बूढ़ी औरत ने उनको दूध लाकर दिया, उस बकरी का। आप लोगों ने दूध पिया और अपनी प्यास को बुझाया। फिर उन लोगों को भूख भी लगी थी, तो उन लोगों ने पूछा कि माई, कुछ खाने को है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि पका हुआ नहीं है, पकाना पड़ेगा, मेरे पास यही एक बकरी है, आप लोग इसको ज़बह करें, पकाएं और खा लें, मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो उन लोगों ने उसको ज़बह किया, उसको पकाया और आप लोगों ने खाया। और खाकर ये फरमाया कि हम लोग कुरैश में से हैं, कुरैश ख़ानदान के लोग हैं, जब कभी भी तुमको कुछ ज़रूरत होगी हमारे पास आना, तो हम तुमको इसका बदला ज़रूर देंगे। और आप लोग ये कहकर हज के सफ़र पे रवाना हो गए। अब शाम में उस बूढ़ी औरत का जो शौहर था वो घर आया, और उसको पता चला कि इन्होंने एक अनजान लोगों को, जिनको जानते ही नहीं है, उन लोगों को, जो एक ही बकरी थी उन लोगों के पास, जो उनका पूरा सरमाया था, पूरा माल वही था उनका, वो एक अनजान लोगों को उसको ज़बह करके पका के खिला दिया है। तो बड़ा गुस्सा होने लगा, नाराज़ होने लगा, उस बूढ़ी औरत के ऊपर बहुत नाराज़ हुआ। अब कुछ वक्त गुजर गया, वो बूढ़ी औरत और उसका शौहर बहुत मुफलिसी में आ गए, पहले से उनके हाल बेहाल थे और मुफलिसी में आ गए, उनका जीना मुश्किल हो चुका था। तो वो लोगों ने अपना घर बार छोड़ा वहाँ से और मदीने में आके रहने लगे। अब मदीने में भी कुछ कारोबार कुछ नहीं मिला, तो वो लोग इतने मुफलिसी में थे कि ऊँट की लेंडियाँ जमा करके उसको बेचकर अपना गुजारा चला रहे थे, अपना गुजारा ऊँट की लेंडियाँ बेचकर गुजारा कर रहे हैं, इतना ख़राब हाल उनका। अब वैसे आलम में एक दिन रास्ते में इमाम हसन ने जो है उस बूढ़ी औरत को देख लिया और पहचान लिया। तो आप उस बूढ़ी औरत के पास गए और उससे फरमाया कि माई, तुमने मुझे पहचाना? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना। बोले, हम लोग आपके यहाँ आए थे और आपने हमको अपनी बकरी का दूध पिलाया था, उसको ज़बह करके हम लोगों को खिलाया था। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ 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 हाँ, मैंने पहचाना, मैंने पहचाना। तो बोले, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो बोले, हम लोग के हाल बहुत बुरे हो चुके थे वहाँ पर, वहाँ जीना मुश्किल हो गया था, तो हम लोग मदीना आ गए, यहाँ भी कोई काम नहीं मिला, तो हम लोग ऊँट की लेंडियाँ जमा करके उसको बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं, मैं और मेरे शौहर। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ में, और वो उस बूढ़ी औरत को अपने साथ लेकर गए। और वहाँ जाकर गुलाम से कहा कि इनको 1000 बकरियाँ इनायत करें और 1000 दिनार अता किए जाएँ,
1,000 दिनार इनको अता किए जाए। तो गुलाम ने जो है उनको, उस बूढ़ी औरत को 1,000 बकरियाँ ला के दी और 1,000 दिनार भी उनको दे दिए। फिर इमाम हुसैन ने अपने गुलाम से फरमाया कि इनको लेकर जाओ इमाम हुसैन के पास। अब 1,000 बकरियाँ देकर भी बात ख़त्म नहीं हुई, 1,000 दिनार देकर भी बात ख़त्म नहीं हुई। इमाम हुसैन ने इमाम हुसैन के पास भेजा, वहाँ गए वो गुलाम जो थे वो लेकर उस बूढ़ी औरत को इमाम हुसैन के पास गए। जब वहाँ गए तो उन्होंने भी पहचान लिया कि वही बूढ़ी औरत है। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि भाई ने तुमको क्या अता किया है? तो उस बूढ़ी औरत ने अर्ज़ किया कि मुझे उन्होंने 1,000 बकरियाँ इनायत फरमाई और 1,000 दिनार अता किए हैं। तो आपने भी उस बूढ़ी औरत को 1,000 बकरियाँ और 1,000 दिनार अता किए हैं। अब ये सोचो कि एक वक्त खाना खाया है, एक बकरी दबा करके खाई है, उसका दूध पिया है, लेकिन उसको बदला कैसा दे रहे हैं? एक भाई ने 1,000 बकरियाँ दे दी, 1,000 दिनार भी दे दिए, उसके बावजूद भी ये नहीं सोचा कि बहुत है, ये तो 1,000 बकरियाँ बहुत होती है, लेकिन ऐसा नहीं सोचा। आपने इमाम हुसैन के पास ही भेजा कि वो भी इनायत करेंगे, वो भी अता करेंगे इनको। उन्होंने भी इस बात पर ख़त्म नहीं किया कि भाई ने अता कर दिया है कि बिठा के कुछ खिला देते पिला देते, वहाँ ख़त्म नहीं किया। उन्होंने भी 1,000 बकरियाँ इनायत फरमाई, 1,000 दिनार अता किए, और फिर यहाँ भी बात ख़त्म नहीं हुई। अब क्या होता है कि अब आप अपने गुलाम से कहते हैं इमाम हुसैन कि इनको लेकर जाओ हज़रत जाफ़र के पास, अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास लेकर जाओ, वो भी इनको कुछ इनायत करेंगे। अब वो गुलाम जो था वो उनको लेकर हज़रत जाफ़र के पास भी चला गया। अब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा उस बूढ़ी औरत से कि दोनों भाइयों ने तुमको क्या अता किया है? अब पूछने का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई बहुत अता कर दिया है तो मेरे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ जब उन्होंने पूछा तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे उन दोनों भाइयों ने 2,000 बकरियाँ और 2,000 दिनार अता किए हैं। तो एक वक्त का खाना, एक बकरी ज़बह करने का बदला 2,000 बकरियाँ बहुत है, 2,000 दिनार भी बहुत ज़्यादा है, यानी 2,000 गुना हो चुका है। फिर दिनारे हैं वो अलग, लेकिन अब हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र क्या करते हैं? वो अपने गुलाम से फरमाते हैं कि 2,000 बकरियाँ लेकर आओ और 2,000 दिनार लेकर आओ और इस बूढ़ी औरत को इनायत करो, इनको अता करो। यानी अब उस बूढ़ी औरत के पास कितनी बकरियाँ हो गई? 4,000 बकरियाँ हो गई और 4,000 दिनार हो गए। अब वो सब सामान उसको अता कर दिया गया, वो माल अता कर दिया गया, बकरियाँ अता कर दी गई, माल अता कर दिया गया। अब वो लेकर जो है वो अपने घर पहुँची। अब इतनी सारी बकरियाँ और जब 4,000 दिनार लेकर पहुँची तो उसके शौहर ने पूछा कि कहाँ से लेकर आ गई, ये तू कहाँ से लेकर आई? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जो हमारे घर पे मेहमान हुए थे, जो मुसाफिर मेरे घर पर आए थे, और तुम जिस पर नाराज़ हुए थे कि तुमने अपनी बकरी ज़बा करके खिला दी, उन सखियों ने, जो सखी है उन लोगों ने इतना सब कुछ माल अता कर दिया है बस एक वक्त के खाने के बदले में। तो आप सोचो कहले बैत की सखावत का क्या मकाम है। क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमने तो एक ही वक्त खाया था तो उतना ही कुछ इनायत कर देते, 2 बकरी इनायत कर देते, 4 कर देते, 4,000 बकरियाँ इनायत कर दी, 4,000 दिनार अता कर दिए। दुनिया में कोई सखी ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो अहले बैत की सखावत का मुकाबला कर सके।